गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केमचो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप में से कई सारे लोग एक क्वेश्चन मुझसे बार बार करते हैं, वो ये क्वेश्चन है कि सर हमको कितने घंटे पढ़ना चाहिए, ठीक है ना, मतलब एक दिन में कितने घंटे हमको पढ़ना चाहिए। और स्पेशली ये क्वेश्चन वो लोग करते हैं, जैसे देखो जिनका एग्जाम नीट का 2023 का एग्जाम होने वाला है मई में, वो तो अभी दिन रात पढ़ना है भाई उनको, ठीक है, उनके पास पढ़ने सोने खाने के अलावा कोई तीसरा ऑप्शन चौथा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। 10-15 मिनट वॉक कर सकते हो अपना, आधा घंटा वॉक कर लिए अपना, ठीक है ना। फोन पे लंबा लंबा बतियाना बंद कर दो भाई, है ना, सोशल मीडिया पे टाइम पास करना बंद कर दो, ठीक है। अभी पूरा ध्यान आपका पढ़ने पर होना चाहिए। तो जिनका नीट 2023 का एग्जाम है उनके पास तो कोई दूसरी चीज है नहीं, उनको ये क्वेश्चन करना भी नहीं चाहिए कि कितने घंटे पढ़ना है, पढ़ने के अलावा कुछ और नहीं करना है, ये दिमाग में रखना है, ठीक है। पर जो बच्चे नीट 2024 को टारगेट कर रहे हैं या कमिंग ईयर के बारे में सोच रहे हैं कि हमें कमिंग ईयर एग्जाम देना नीट का, तो वो हमेशा ये क्वेश्चन करते हैं मुझसे कि सर कितने घंटे पढ़ लें, कितने घंटे हमको पढ़ना चाहिए और कितने घंटे पढ़ना इफेक्टिव होगा एग्जाम को निकालने के लिए। और आपको ध्यान होगा कि मैं हमेशा से, जिन्हें मैं आज से नहीं, मैं तो जब से बायोमेंटर्स का ऑनलाइन वाला सिस्टम शुरू हुआ है 2017 से मैं ये बोलता चला आ रहा हूँ लगातार, मतलब बायोमेंटर्स को काफ़ी साल हो गए। बायोमेंटर्स 2017 में पहली बार क्रैश कोर्स देन फर्स्ट बैच लॉन्च किया था, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ठीक है। तो बायोमेंटर्स को काफ़ी साल हो गया है अभी। तो बायोमेंटर्स में जो है वो मैं शुरू से पिछले 5-6 साल से यही बोलता आ रहा हूँ कि आपको डेली आपको जो है 6 घंटे डेडिकेटेड पढ़ना है, क्लासेस के अलावा, ठीक है ना, समझ के बात हो रहा है। अब आप क्या करते हैं उसमें, आप या मैंने कहा ना कि जनरली क्या होता है, हम लोग कोई ये ऑनलाइन क्लास भी लेते हैं ना, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम क्लास कर बाद में कोई हम याद करूंगा, बाद में ये करूंगा सोचते, मैं कहता हूँ हमेशा क्लास के दौरान ही याद कीजिए, क्लास के दौरान ही नोट्स बनाइए, क्लास के दौरान जो है नोट्स जो आपके प्रिंटआउट निकालें, जो नोट्स आपके पास है उनको आप अंडरलाइन कीजिए, उन पर आप हाईलाइट कीजिए, उनको साथ पढ़ते जाइए आप, ठीक है ना, ताकि स्क्रीन पर आपका इंटरेक्शन थोड़ा कम हो, आपका कॉपी पर इंटरेक्शन आपको ज़्यादा रहना चाहिए। तो आपको बताऊँ मैं कि जैसे मैं अपने बचपन का एक किस्सा बताता हूँ, मेरा एक दोस्त था जो है उसका नाम था हेमंत, ठीक है, हेमंत श्रीवास्तव नाम था उसका। ये बात है 9th और 10th की बात है, वो क्रिकेट खेलने में बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया क्रिकेट खेलता था वो, यानी हम अभी तो बॉम्बे में तो लोगों में फुटबॉल का क्रेज ज़्यादा है, लेकिन उस जमाने में क्रिकेट का काफ़ी क्रेज हुआ करता था। तो क्या था कि जब कभी हमारी स्कूल की क्रिकेट टीम का कैप्टन भी था, वो क्रिकेट की प्रैक्टिस करेगा, क्रिकेट खेलेगा, दिन भर खेलने में लगा रहेगा, फिर उसके अलावा जो है वो कोई कॉलेज में फंक्शन हो उसमें एक्टिव रहेगा वो सब, ठीक है। और जो उसकी मम्मी, जब भी उसके घर जाओ उसके मम्मी पापा यही बोलते थे कि आजकल पढ़ नहीं रहा है, ये पढ़ने में इसका ध्यान कम हो गया। वो 8th का टॉपर था, वो अपने ज़माने में 8th का टॉपर था, अलग किसी अलग स्कूल में था, मैं अलग स्कूल में था, वो 8th में टॉप किया था, लेकिन हम लोग हायर सेकेंडरी में सेम स्कूल में थे। तो वो जब भी कभी क्लास में कोई एग्ज़ाम हो, कुछ हो, टेस्ट हो, वो टॉप करे हर बार। जब 9th का फाइनल एग्ज़ाम हुआ तो उसमें भी उसने टॉप किया, जबकि मैं कई बार मैं क्रिकेट खेलने नहीं गया ये सोच के कि मुझे पढ़ना है, ये सोच के कि यार पढ़ाई कौन करेगा, फिर ना पढ़ते रहा। कॉलेज के कई सारे प्रोग्राम में भाग नहीं लिया, क्योंकि टाइम खराब करते हैं उसमें, ये प्रैक्टिस करो वो प्रैक्टिस करो, उसमें भाग नहीं लिया मैंने, कॉलेज नहीं स्कूल के फंक्शन के प्रोग्राम में भाग नहीं लिया। तो पॉइंट ये है कि मैं साल भर पढ़ता रहा, मैं अधिकांश समय पढ़ता रहा, वो साल भर खेलता भी रहा, लेकिन जब भी रिजल्ट आए तो आप वही करें, 10th में वही हुआ कि रैंक उसकी क्लास में फर्स्ट उसी की रैंक आई। तो जरूरी नहीं है ये बात कि आप 24 घंटा किताब में घुसे रहे तो उससे रिजल्ट निकले। कई बार क्या होता है, कई बार कुछ लोग जो होते हैं ना वो जितना जितना टाइम देते हैं ना वो कंटिन्यूटी के साथ देते हैं, कॉन्सेंट्रेट होकर टाइम पर फोकस करते हैं कि जो सीखना है का 2 घंटे लगाना है, 2 घंटे केवल वो पढ़ने पर ही फोकस करेंगे, कोई दूसरा विचार दिमाग में उनके नहीं चलेगा। तो क्वालिटी ऑफ टाइम इज मच इंपॉर्टेंट देन द क्वांटिटी ऑफ टाइम, समय की संख्या मैथमेटिक्स नहीं है ये। यदि कोई बोलता है कि मैं 2 घंटे रोज पढ़ता हूँ और मेरी क्लास में 40% नंबर आते हैं, तो क्या मैं 4 घंटे रोज पढ़ूंगा तो नंबर कितने आएंगे, तो आप बोलोगे सर सिंपल, 2 घंटे पढ़ता है तो 40% नंबर आएंगे, 4 घंटे पढ़ेगा तो 80% नंबर आएंगे, 6 घंटे पढ़ेगा तो 100% के ऊपर नंबर निकल जाएंगे। पर क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं ना। तो ये पढ़ने का जो विज्ञान है ना, ये मैथमेटिक्स नहीं है, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड, एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। और आप कितना कॉन्सेंट्रेट, कितना फोकस होकर पढ़ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे देखो
अब कई लोगों की हैबिट क्या होती है, साल भर तो वो स्लो रहते हैं, एकदम धीमे धीमे, नहीं कर लेंगे कल कर लेंगे, और एग्जाम के पहले एकदम 12-12, 16-16 घंटे पढ़ रहे हैं। और फिर वो जब कभी मान लो नंबर थोड़े ठीक ठाक आ गए, कोई ने पूछा भैया कितने घंटे पढ़ते हो, 16 घंटे पढ़ते हैं, तो वो 16 घंटे आदमी सोचता है यार 16 घंटे कोई साल भर कैसे पढ़ सकता है, पागल हो जाएगा भाई, नहीं पढ़ सकता है वो, एग्जाम के ठीक पहले जरूर पढ़ लिया 16 घंटे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्या बेहतर है, 6 घंटे रोज पढ़ना बेहतर है या 16 घंटे एग्जाम के ठीक पहले पढ़ना बेहतर है? अब आप इसका एक उत्तर ऐसे दो, आओ बारिश होती है जोरदार पानी गिरा, 3 दिन जोरदार पानी गिरा तो फसल तो बाढ़ आ जाएगी, खड़ी फसल डैमेज कर जाएगी, खेतों के ऊपर की उपजाऊ मिट्टी बह जाएगी। लेकिन उतनी ही बारिश 3 महीने में धीमे 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 होती है तो फसल लहला जाएगी, बगैर सिंचाई की सिंचाई हो जाएगी। बारिश उतनी है, वो पानी जब रेनफॉल होता है तो उसको अपन नापते ना कितना मिलीमीटर बारिश हुआ है, तो इतने मिली मतलब जितना मिलीमीटर बारिश जो है वो 3 महीने में हुआ, यदि इतना बारिश 3 दिन में हो जाए तो बाढ़ आ जाएगी, हड़कंप मच जाएगा सब जगह, सड़कें बंद, उस खेत में पानी, इधर पानी उधर पानी, व्यक्ति परेशान हो जाएगा, काहे की फसल उपजाऊ हो जाए, फसल खड़ी फसल खराब हो गई। लेकिन यदि वही बारिश 3 महीने में धीमे 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 होती है तो फसल बढ़िया निकल के आती है। बस दिमाग में डाल लो कि जो बारिश का फंडा है वही पढ़ने का फंडा है, कि तुम धीमे 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 लगातार पढ़ोगे वो आपको अच्छा रिजल्ट देगा। याद रखना एक बात, मैं आपको एक मंत्र दे रहा हूं, आपको मैं कोई भी दुनिया में किसी भी एग्जाम में यदि आपको टॉप करना है, एग्जाम को निकालना है, फोड़ कराना है, देन कंटिन्यूटी इज मच मोर इंपॉर्टेंट, कंटिन्यूटी इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन द क्वांटिटी ऑफ टाइम इन्वेस्टेड। मतलब आप कंटिन्यूअस यदि 4 घंटा रोज पढ़ते हैं, 4 घंटा आपने डेडिकेटेड रोज पढ़ते हैं आप, तो आप बेहतर रिजल्ट देंगे फसल के लहलाने के समान, बजाय इसके कि आप एग्जाम के ठीक पहले 16 घंटे पढ़ते हैं। क्लियर? ये बातें मैं किनके लिए बोल रहा हूँ? उनके लिए बोल रहा हूँ जो नीट 2024-25 टारगेट कर रहे हैं, जिन्होंने अगले साल का एग्जाम टारगेट किया, जिन्होंने उनके लिए बोल रहा हूँ। लेकिन बाकी जो 2023 के बच्चे हैं उनको तो अभी डूब जाना है बिल्कुल, पढ़ने में मशीन के समान व्यवहार करना है, कुछ लेफ्ट और राइट सोचना ही नहीं है अभी। फिर बार बार एक क्वेश्चन आ रहा है, सर जो सर्टिफिकेट है वो नए लगाने हैं क्या, हमारा तो 3 साल के लिए वैलिड है। अरे भाई जब लिखा साफ साफ है तो एनटीए के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जो लिखा है उसको फॉलो करो ना यार, अपना दिमाग लगाओगे तो एग्जाम में फॉर्म कैंसिल हो जाएगा अपना, ठीक है? तो ऐसी उल्टी सीधी काम है। और प्लीज सिग्नेचर जो करो ना तो ब्लैक पेन से करो भाई, है ना, आप नीले पेन से कर रहे हो वो फेंट होके आता है, फिर दिखाई नहीं पड़ेगा, फिर वो फॉर्म कैंसिल होगा, तो ब्लैक पेन से कीजिए सिग्नेचर को, ठीक है, ताकि आप ठीक से उसको स्कैन कर सकें आप। क्लियर? छोटी छोटी बातें उनका ध्यान रखना है बेटा, है ना। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं आपसे कि दुनिया की बड़ी सी बड़ी जंग को जीतने के लिए, दुनिया की बड़ी सी बड़ी जंग को जीतने के लिए एक प्रॉपर प्लान को बनाना पड़ता है, छोटे छोटे माइलस्टोन तय करने होते हैं, तब आप बड़ी जंग जीत पाते हैं। बड़ी जंग को सीधा ऊपर से उतर कर नहीं जीत सकते हम, ठीक है ना, उसको जीतने के लिए स्मॉल माइलस्टोन्स को पहले जीतना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूं हमेशा कि कंटिन्यूटी बनाए रखिए। दूसरी बात, कई बच्चों का बोला सर अभी 18 घंटे का केमिस्ट्री का लेक्चर रिलीज हुआ, अरे भाई वो मेगा वन शॉट लेक्चर है, फिजिक्स में 2 रिलीज हुए थे, 11th वाला एक 12th वाला, तो ये 11th वाला रिलीज हुआ केमिस्ट्री में, एक दो दिन बाद 12th वाला रिलीज होगा वो, तो ये बेसिकली उन बच्चों के लिए जिन्होंने नहीं पढ़ा, जिनको लास्ट मिनट में कुछ रिवाइज करना है, जो भी पोर्शन रिवाइज करना है लेक्चर में देख लो आप, ठीक है। पर आप साल भर पढ़ रहे हो ना तो आपको इतने लंबे लंबे घंटे के लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है। मैं व्यूज के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, मत व्यू आया ची ना आया चलेगा, पर मेरा बच्चा सेलेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो तुम्हारे लिए नहीं है, जी तुम साल भर से पढ़ते आ रहे हो, तुम अपना पढ़ो भाई, अपना रिवाइज करो, तुम टेस्ट की तैयारी करो, तो दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट। कोई भी टेस्ट मिस मत करना, क्लास मिस कर देना चलेगा, टेस्ट मिस मत करना, ठीक है ना। ठीक, बायोमेट्रिक्स के क्वेश्चन जो है एग्जाम में सीधे उठ के आते हैं, ठीक है ना। चलिए, ऑल द बेस्ट बेटा, बाय बाय।